डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें रोज यहाँ से मिला। बताएं सर आपको यहाँ पे मुझे एक लिंक मिला था कि यहाँ पे जो है जॉब्स की जा रही हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हैं, कंपनीज आई हुई हैं, तो मुझे आया था मैं यहाँ पे, तो मुझे शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। अब मुझे एक हफ्ते के भीतर जो कॉल आ जाएगी, बोले वो वहाँ पे इंटरव्यू दे, अगर उसमें शॉर्ट लिस्ट हो तो एशियन पेंट्स में रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आए थे और हमें इंडियन नोएडा में हमें सेलेक्ट किया गया, हमें एक हफ्ते के अंदर कॉल आ जाएंगे, मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे, तो एक हफ्ते के अंदर कॉल आएंगे। एशियन पेंट कंपनी है। आज रोजगार मेला जो डॉक्टर पुष्पेंद्र फैन क्लब द्वारा लगाया गया है, उसमें मतलब उसमें जो रोजगार के लिए मैं आज इसके इंटरव्यू के लिए देने के लिए आया हूँ, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है एक अच्छी कंपनी में, और एक वीक के बाद मेरे को ज्वाइनिंग लेटर वो दे देंगे इसके लिए। पुष्पेंद्र क्लब वर्मा का धन्यवाद। और इसमें आज हमारी रजिस्ट्रेशन जो है, हमने तो सोचा था कि 250-300 होगी, लेकिन अभी तक जो है करीब 757 लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, और करीब 220 लोगों की जो है वो अभी तक इंटरव्यू हो चुका है, और सभी को करीब जॉब जो है वो ऑफर हो चुकी है, और ये बड़ा ही अच्छा चल रहा है। अभी बाकी युवा ये बचे हुए हैं, तो ये भी धीरे धीरे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हमारी तो कोशिश है कि जितना हम इनको प्लेटफॉर्म दे सकें, क्योंकि युवा जो है हमारे बाहर नहीं जा सकते, गुड़गांव नहीं जा सकते, बड़े शहर में कि कहाँ पे इंटरव्यू देना है, किस कंपनी में इंटरव्यू देना है, तो हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम इनको एक प्लेटफॉर्म दें ताकि यहाँ पे आके वो जो है वो रोजगार हासिल कर सकें, उनको वो चांस मिल पाए, और हमारा प्रयास है, हम लोग इनको मोटिवेट कर रहे हैं कि कल को आप लोग खुद की फैक्ट्रियाँ लगाएं, आप लोग रोजगार दें, तो ये हमारा प्रयास था, और इसमें हम काफ़ी सफल भी हुए और हो रहे हैं, चल रहे हैं। अभी तो इंटरव्यू 5 बजे तक चल रहे हैं लगातार। पूरे भारत देश की कंपनीज हैं और मल्टीनेशनल भी हैं। आप यहाँ पे क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, CNC, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, इसके अलावा फार्मा कंपनियाँ हैं, वो भी जो है जॉब ऑफर कर रही हैं। जो हमारी ल्यूमिनस जो इन्वर्टर और बैटरीज वाली है, जो ITI इलेक्ट्रिकल के लिए, वो भी हैं, और करीब 80 के करीब जो है वो कंपनीज यहाँ पे जो है हिस्सा ले रही हैं इस रोज़गार मेले में। इस रोज़गार मेले में क्या जिला के ही युवा हैं या बाहर से हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ तो आपको ऊना के लोग भी मिलेंगे यहाँ पे, इवन रामपुर और शिमला से भी चार पांच बच्चे आए हैं, धर्मशाला से बच्चे आए हैं, सुजानपुर से बच्चे आए हैं, बटसर से बच्चे आए हैं, नरौंड से बच्चे आए हैं। ये कोई मेला कोई एक विधानसभा क्षेत्र या छोटे से इसका नहीं है, हमें है कि हमारे प्रदेश के बच्चों को रोज़गार मिले, क्योंकि बद्दी बरोटी वाला ये इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, यहाँ पर हमारे 70% जो हिमाचली बच्चों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो हम कर पाए। एक अलग पहल की है आपने अपने स्तर पर युवाओं को जोड़ने की और उन्हें रोजगार देने की, ये कहाँ तक जो है वो लेके जा रही है? देखिए, ये हमारा तीसरा रोजगार उत्सव है, तो ये पहल तो